नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मैं मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे ध्यान, भजन, कीर्तन या रेकी करते हुए इसकी ऊर्जा को कैसे कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से जब हम रेकी करते हैं तो उसके प्रभाव को, उसकी एनर्जी को किस तरह से ज़्यादा कई गुना पावरफुल किया जा सकता है। तो एक इसके अलावा, चाहे आप किसी भी तरह से आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हैं, जब हम रेकी करते हैं या दूसरे कार्य करते हैं तो उसका जो फल है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको कई गुना अधिक जो अपने आप बढ़ जाए। तो आज आपको ऐसा एक टूल दूंगा जिसका मैं खुद इस्तेमाल करने के बाद में मुझे बहुत अधिक लाभ हुआ है, क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरा कारण है, वो आपको बताता हूँ। बाकी जिन्होंने रेकी सीखनी हो तो इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के नीचे दोबारा फिर लिंक दे दूंगा, वहां से देख के आप फ्री में रेकी सीख सकते हैं। और बाकी की आगे आपको हर वीडियो में नई नई चीज समझाता जाऊंगा, ब्रीक से ब्रीक और एक से एक पावरफुल चीजें आपको इसमें बताता जाऊंगा। एक आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें किसी भी सवाल का जवाब लेने वाली जवाब जो दे सके, एक ऐसा टूल, एक ऐसी एनर्जी आपको मैं बताऊंगा जो हर चीज़ का आपको जवाब देगी, रियल में आपके हाथों में, और 100% श्योर, बिल्कुल सही सच्चा जवाब। तो वो भी आपको वीडियो बनाऊंगा। तो इसके अलावा बाकी जिन मित्रों ने सब्सक्राइब कर रखा है, और जो और मित्र सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्होंने घंटी सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन घंटी सब लोगों ने ऑन नहीं की हुई है, तो आधे लोगों की ऑन है। तो सबसे कहना चाहूँगा कि अपने जहाँ पे बेल हम सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे घंटी को ऑल पे कर दें, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उसका जब कारण यह होता है कि नॉर्मल तौर पर जब कोई व्यक्ति रेकी करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, किसी भी प्रकार से हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर एक करने का भाव होता है, एक अहम भाव कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं रेकी कर रहा हूँ, या खुद की कर रहा हूँ रेकी, या दूसरे की कर रहा हूँ। तो बीच में एक अहंकार का भाव होता है, करने का भाव होता है, मैं का भाव होता है, मैं कर रहा हूँ। तो जब मैं कर रहा हूँ तो ऐसे में कुदरत हमें दखल बीच में नहीं देती, कुदरत कहती है ठीक है तुम कर रहे हो तो तुम करो, तो ऐसे में उसका उतना ही फल हो पाता है जितनी हमारी क्षमता होती है, हमारी क्षमता के हिसाब से ही हमें फल मिलता है। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा, जब हम उसके द्वारा कुछ भी करते हैं, अपनी रेकी करेंगे, दूसरे की रेकी करेंगे, या ध्यान करेंगे, कीर्तन भजन कुछ भी करेंगे, तो छोटी सी एक बदलाव के साथ हम अनंत की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, उस अनंत परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो वो ये होता है, आप कुछ भी करें, मान लो आप रेकी ही कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं सीखी रेकी इस चैनल के ऊपर सीख सकते हैं, वीडियोस बनी हुई है, बाकी आगे बनाता रहूँगा। आपको सब प्रकार की बड़ी से बड़ी, असंभव से असंभव बीमारियों में यह लाभ देती है, 100% लाभ देती है। तो ऐसे करना है, आपने, आप मान लो रेकी करने के लिए बैठ गए, तो अपने भीतर ऐसा भाव ना रखें कि मैं रेकी कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, यह भाव छोड़ दें। मान लो मैं रेकी कर रहा हूँ, अब रेकी एक बार मैंने आह्वान कर लिया, रेकी शुरू हो गई, उसके बाद यह करने का भाव छोड़ देना, और मन में कम से कम 3 बार रिपीट करें कि स्वयं परमात्मा अपने द्वारा ही, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे हील करें, या दूसरे को, जिसको भी आप कर रहे हैं, कि इसे सिर्फ परमात्मा के द्वारा, सीधा परमात्मा के द्वारा हील हो और आप शांत हो जाएं, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। जैसे जैसे रेकी का प्रवाह बढ़ता जाएगा, आपने 3 बार मात्र बोल भी दिया, परमात्मा को पता है कि इसके भीतर फिर भी बोलने के बाद भी अहंकार का भाव है, लेकिन वह ऊर्जा ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। आपने 3 बार बोल दिया, 3 बार संकल्प कर लिया कि मैं नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा आए, और परमात्मा के द्वारा यह हीलिंग हो रही है, या रेकी स्वयं परमात्मा के द्वारा हो रही है, या भजन या कीर्तन या ध्यान परमात्मा के द्वारा हो रहा है। आपके 3 बार ऐसा संकल्प करने के बाद ही हमारे भीतर के बहुत सारे अवरोध हट जाते हैं, और जब अवरोध, हमारी एक ब्लॉकेज होती है करने की, अपने होने की, वह ब्लॉकेज एक तरह संकल्प से हट जाती है काफ़ी हद तक, और जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जाता है तो वह और गहराई से हटती है, अपने आप पाएंगे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है, आपके भीतर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी सारी ऊर्जा जो है वह बढ़ जाती है, रेकी बढ़ जाती है, हर चीज़ बढ़ जाती है। मात्र इतना ही संकल्प करें
कि स्वयं परमात्मा के द्वारा ही स्वयं हीलिंग हो रही है, स्वयं परमात्मा कर रहा है। तीन बार पहले एक बार बोलना है, उसके बाद बीच बीच में आप दोबारा ऐसा बोल सकते हैं कि स्वयं परमात्मा के द्वारा भजन हो रहा है, परमात्मा का परमात्मा के द्वारा हो रहा है, मेरा कुछ नहीं परमात्मा के द्वारा। बीच बीच में ऐसा अपने आप को याद दिलाते रहें। जैसा जैसा ये चीज आपके भीतर आती है तो स्वयं ही हमारा मैं, हमारा अहंकार भाव कम होने लगता है, और जब अहंकार कम हो जाता है तो प्रभु की कृपा अपने आप आने लग जाती है। तो आप यह प्रयोग करें, यह बहुत 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 कृपा देने वाला है। धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में पूरी रेखी और रेखी के जितने भी जवाब सवाल आए थे, कैसे करनी है, कब करनी है, उठना बैठना कैसे है, कैसे कैसे करना है, उन सब सवालों का जवाब भी अगली वीडियोस में मैं दे दूंगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।